तो किसान भाइयों, खीरा जो कि बहुत ही कम दिनों की फसल होती है, ऐसे में बहुत ही कम दिन में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमें कुछ ऐसे खीरे में खाद फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना पड़ता है, जिस वजह से पौधा है उसकी ग्रोथ शानदार हो और हमारा प्रोडक्शन है वो भी तगड़ा है। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले NPK 19:19 की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो जो भी भाई चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम खीरे की जब हम खीरे की बुआई करते हैं तो उस समय हम अपने बेड पर, खीरे की बेड पर बेसल डोज के रूप में DAP, पोटास, यूरिया, बहुत सारे SSP खाद वगैरह डालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जब हमारा पौधा शुरुआती में, जब उसका जर्मिनेशन हो गया, जब शुरुआती अवस्था होती है 15 से 20 दिन, जब पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा रहता है, ऐसे में कुछ पोषक तत्व जो हम बेसल डोज के रूप में देते हैं उनसे उठा लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब पौधे की हाइट बड़ी हो जाती है, 4 से 5 फीट उसकी बेल चली जाती है, ऐसे में पौधे को कुछ और पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ये तीनों मुख्य है। उसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीन ऐसे प्राइमरी तत्व जो कि पौधे को ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बचे हुए हैं उनको बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आज हम बात करेंगे 19:19:19 की। तो देखिए 19:19 जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीन ही 19:19% रहते हैं, तीनों ही समान मात्रा में रहते हैं, जो कि हमें पौधे पर ड्रेंचिंग लेना चाहिए वो 15 दिन के बाद, जब हमारा पौधा 15 दिन का हो जाए तो ऐसे में हमें एक ड्रेंचिंग 19:19 की ले लेना चाहिए। और अगर स्प्रे की बात की तो उसी समय जब पौधा 20 दिन का हो, जब फूल से पहले, आप इसमें NPK 19:19 का स्प्रे ले सकते हो। एक या दो स्प्रे आप जब पौधा फ्लोरिंग स्टेज पर न जाए उससे पहले आपको 19:19 का एक दो स्प्रे ले लेना, जिससे कि आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार होगी। तो बात करें डोज की तो दोस्तों आपको 60 ग्राम प्रतिपम मिलाकर स्प्रे कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्रेंचिंग की, तो 1 एकड़ में आप 1 से 1.5 किलो जो कि 200 से 300 लीटर पानी में मिलाकर आप पर पौधे को 50 से 100 ml ड्रेंचिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।